तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? फाइनली मैं डीजे अमर के ऑपरेटर जो रहने वाले हैं मोनी भाई, उनसे आपकी बात करा देना चाहता हूँ। हेलो भाई जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ भैया, तुम बताओ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया। आप कल हमें दिखे नहीं, कहाँ थे आप? मैं यहीं था, मैं थोड़ा बाहर था दोस्त के साथ, दोस्त को मेरे को दिक्कत हो गई तो उसे दवाई दवाने गया था। तो डीजे अमर का जो पहले से क्रेज है, नाम है इतना, एक कहा जाता है कि ब्रांड है अपने आप में, तो भैया आप लोगों का क्या आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त रहने वाला है। सुनने में आ रहा है डीजे सार्जन जो है वो अमर ही लेके आया, ये बात सच है? वो भैया की बात है, जब मैं नहीं जान पाता हूँ, उसमें भैया ने कल बात हुई, उनकी भैया की बात हुई है। अच्छा, थोड़ा सा आप इनको बता दीजिए हमारे दोस्तों को, क्या कितनी बेस रहने वाली है और क्या सेटअप रहने वाला है? सेटअप तो भैया देख लेना आप, ये लग रहा भी और लगेगा सामान, अभी और लगेगा। भैया ने बताया कि 40-50 बेस लाए हुए हैं, 40-50 बेस, और जितने लगेंगे लगेंगे, ना तो सामान रखा जाएगा। बिल्कुल, क्या अपनी ओर से भी कोई कंपटीशन देने वाला है अमर डीजे? देखो भैया ने कहा है एक इंटरव्यू में, अमर साउंड का किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, सबका अमर साउंड से कॉम्पिटिशन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये है ना, ब्रांड से जो है कोई भिड़ना चाहता है ताकि उसकी बराबरी कर पाए। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं, मोनी भैया क्या ऑपरेटर, मोनी भैया आप ही रहने वाले हो या एक दो और हैं? नहीं, एक भाई भी है। उसका नाम क्या है? प्रिंस नाम है उसका भी, भाई है वो भी। नाम है। और चिंटू भैया कहाँ गए हैं? थोड़ा सा चिंटू भैया अब यहीं होंगे, काम वाम दिखवा रहे हैं, काम वूम में थोड़ा व्यस्त है। एक बार ही भाई को भी दिखा दो। आप लोग क्या डीजे के साथ ही हो? नहीं, डीजे के साथ, डीजे के साथ नहीं हो, पैदल यात्री, पैदल यात्री हो। डीजे के साथ मनोरंजन लेते जाएंगे, मनोरंजन लेते जाएंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, 2024 के कावड़ मेले का पूरा न्यू लुक, ओके ही चाटअप आ रहा है बंद के। इस बार कहिए एक नया नाम दिया गया है, वो नए नाम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वो भैया ने इटली एक्सपो दिया है नाम, लेकिन कुछ लोग इससे जले पड़े हैं इटली एक्सपो के नाम से। अच्छा, इस नाम का कारण क्या है देने का कारण? वो तो आप देखना जब बजेगा, मतलब कुछ अलग रहता है नहीं, नाम देने का कारण अलग है, वो तो भैया बताएंगे आपको जब भैया ने नाम दिया है। अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ लोग इससे भी जले पड़े हैं इटली एक्सपो के नाम से, आग लगे पड़े नया लग रहा है सब कुछ, क्या बात है, अलग है सारा न्यू अलग है भाई। अलग लाइटिंग कंडीशन क्या रहने वाली है? तो भैया तो लाइटिंग वाले सब जानते हैं, जितने भी डीजे वाले हैं सबसे पूछ लेना, लाइटिंग एक नंबर रहने वाली है। अमर डीजे का देखो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रेज है, और इन भाई से भी थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। चले भैया, अरे भाई हमें तुम्हारा बहुत इंतजार है, एक बात तो कहनी पड़ेगी आपको। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा इनसे भाई, थोड़ा सा इनसे। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भाई। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपका वहाँ पर एक इंटरव्यू लिया था, अगर याद हो तो, शुरुआत में अमर डीजे का, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छे तक डाली है, पाकिस्तान नेपाल बहुत दूर तक चल रही है वो वीडियो भी। तो अभी आपको वहाँ से ये लोकेशन चेंज करनी पड़ी है, इसका कारण क्या था? कारण ये था कि पब्लिक ने थोड़ा ज़्यादा भीड़ लगा दी थी, वहाँ पर जगह कम थी, इसलिए पुलिस वालों ने कहा कि थोड़ा अपना साउंड आगे ले जाओ, इस कारण हमारा साउंड थोड़ा सा आगे आया। ये डीजे अमर जो है ना, एक तो पब्लिक देखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है, इसलिए थोड़ा वहाँ से आप इधर पब्लिक इसलिए देखे क्योंकि वो पहले से ब्रांड है। बिल्कुल, देखो ब्रांड का तो मैं खुद मानता हूँ कि पहले से ही जो पहले इधर किंग रहा हुआ है वो यही है सबसे ऊपर, उसके बाद जो है फिर आता है मोनू डीजे जो गिनती में है, सुनने में आता है, पर फर्स्ट पे तो अमर डीजे आता है। चलिए मैं इधर भी आप लोगों से बात करा देना चाहता हूँ एक दो भाई से। लोग तो लड़ाई हो रही कम हो गई, उल्टा सुधा मत।